राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग। भाई को आया बहन के ऊपर प्यार, और आज कुकिंग। और यश भैया ने कुकिंग में कहा था, कल रात ही बोल दिया था कि तन्नू आप हॉस्पिटल जाना, आज मैं डॉक्टर के जा रही हूँ और मैं करूँगा कुकिंग। और इन्होंने कुकिंग इतनी अच्छी करी है, पहले तो निकाल दी चाय, ठीक है। और ये भैया ने तैयार करके करके रख लिए, सेकों के बाद में एक साथ उस पे मशीन पे या फिर वैसे गैस पे। हम गैस पे, गैस पे। चलो धूप में सेकूंगा, धूप भी तो तेज हो रही है। ये आइडिया भी अच्छा है, धूप में भी सेकने वाला बेस्ट एकदम। भैया एक मुझे एक बात के बहुत फायदे हैं, बताऊं कैसे। पुरु भैया ने करा मेरा मेकअप, ठीक है, आपने करी कुकिंग। भाई हो तो मेरे जैसे हो ना, थोड़ी बाकी लोग समझदार हैं। जब मैं आपको ऐसे देखती हूँ बड़ी खुशी होती है। आग बंद कर लेगा। तो सुनो, मैं एक काम करूंगी, जैसे तुम्हारा रिश्ता विश्ता आएंगे ना, तो भाभी सारी बात छोड़ के मैं कह दूंगी सरगुण संपन्न है मेरे भैया। लड़कियाँ कह लड़कियों के लिए कहते हैं कि लड़कियाँ कैसी हैं, लड़कियों के लिए बताते हैं ना सब गुण संपन्न है, ऐसे मैं बता दूंगी मेरे भैया सब गुण संपन्न। बताऊँ कैसे। पुरिया ने करा मेरा मेकअप, अभी आपका मेकअप चैलेंज भी रह रहा है, वो कब कंप्लीट करोगे, कल। और पूर्व भैया सीधे थे, उनको मैंने आइडिया दिया था कि ऐसे ऐसे करना है। हाँ, आपको आइडिया नहीं मिलेगा, आपको पहले मेकअप ट्यूटोरियल्स देख लेना आप, ठीक है ना। बड़े ध्यान से करते हैं भैया, कुछ काम है तो करते नहीं, जब भी करते हैं ना बहुत ध्यान लगा के एकदम आराम से, कि इतना लड़कियां अच्छे से नहीं करती। अगर भैया कोई काम करते हैं जितना भैया करते हैं। रसोई वैसे साफ थी पहले, पूरी फैल चुकी है। भैया चाय ठंडी हो जाएगी हमारी, चाय कर दो कप में, आप कर दो जल्दी से कप में, करो चाय कर दो प्लीज। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ ना, मैं बीमार हूँ इसलिए। जाना तो मुझे भी बैंक में, बड़ा आदमी हूँ। भैया प्लीज, मैं बीमार हूँ, कर दो ना। कल से मेरा बीपी लो हुआ पड़ा है रात से, जब से मैं खोई हूँ ना तब से बहुत शर्म आ रही है मुझे। आपने वो वाला मेरा व्लॉग देख ही लिया होगा जिसमें मैं नोएडा में खो गई, नोएडा में ही रहती हूँ। और नोएडा में रहने के बाद भी खो गई यार, कभी कभी हो जाता है ऐसा। मैं पता है मयूर विहार से आगे चली गई थी और दिल्ली के जाम में फंस गई। बस दिल्ली का जाम तो मुझे ही पता है भाई, इतना ट्रैफिक होता है शाम के टाइम पे, इतना ट्रैफिक होता है। दो तीन बार जब भी भाई के साथ गई हूँ ना तभी फंस गई हूँ जाम में। बस फोन नहीं करा, वरना ये तो मुझे हंसते भी और डांटते भी। तो मैंने कहा खुद ही हैंडल करो अपनी सिचुएशन, सेल्फ डिपेंड होना सीखो। रैपिडो वाले को बुलाया तुमने? हाँ, रैपिडो बुक करी, वहाँ एक्सप्रेस वे तक उन्होंने ड्रॉप करा। और बाकी मैंने कहा चलो ठीक है भैया जाओ अब आप। पर रैपिडो वाले भैया से मैं एक बात पूछनी भूल गई कि भैया ऐसी सिचुएशन मेरे साथ ही हुई है और भी केस मिले आपको, पर वो बड़े समझदार थे, एक बार में मेरी सिचुएशन समझ गए। नाइस। अच्छा, आप ब्राउन ब्रेड बना रहे हो, वेरी गुड। मैदा वाली पेट में चिपक जाती है, पता है मैं होती ना इतने में उस पे बना भी देती सेक भी देती, पर चलो आज आपके हाथ के खाने हैं ना इसलिए ये सब। इसे ना अलग उसमें निकालना क्योंकि अन्न का हो जाएगा, फिर एकादशी का फास्ट भी है एक दो दिन में मेरा, उसमें वो उस वाले में। इस वाली स्पून से उस वाली कटोरी में निकाल लो, छोटी कटोरी में। इंस्ट्रक्शन भी देने पड़ते हैं और छोटी कटोरी को इसके पास रख लो, पिघलता रहेगा इतना गैस के पास। वेरी गुड, गिरा भी दिया। छोटी कटोरी को गैस के पास रख लो। हाँ रख रहा हूँ, रुक जा। आराम से ब्रो, आराम से।
बड़े तरीके से करते हैं काम, गैस को तेज कर लो। कर दी चम्मच खराब, कर दिया सेट बिगाड़ दिया मम्मी, सेट बिगाड़ दिया भैया ने। ठीक है, जैसे तेजी गैस कर लो भैया, नहीं चलेगा ना इस पे, ये नॉन स्टिक ही है, और गैस तेज ही रहने देना, ये जलेंगे नहीं, फटाफट बन जाएंगे। मेरे घर आया एक लंबा पर, हेलो चाय कर ली ब्रो? नो ब्रो, मैंने दोबारा से गर्म कर दी थी। मतलब जैसे अगर तुम कभी कुकिंग करा करोगे तो एक ही काम कर पाए करोगे, या तो ये भर लो या फिर चाय बना लो, कुछ ऐसा है ना, एक ही क्यों पाएगा। सिक गया ये भाई, इसको सही से सेक दो, कच्चे मत खिलाओ, अभी तया गर्म हो जाएगा, बस इसे रखा रहने दो 2 मिनट, इतने उन पे घी लगाओ। भैया ने तो इतनी फटाफट से क्या आधे कच्चे खिलाने के मूड में, 50 रुपए सैंडविच यश ने लगाए, हार्ड कैश यश ने लगाई शॉप सैंडविच, हार्ड कैश चाहिए भैया यश। वैसे ये तुम बना रहे हो, इनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए 50 से। जायज पैसे, जायज पैसे लूंगा मैं, जायज पैसे नहीं लूंगा। सॉस के पाउच पड़े? हाँ जी, सॉस के पाउच 2 रुपए का, 2 रुपए ओनली ओनली। ओपन वाली चाहिए तो भैया उसके कोई पैसे नहीं है। कैश ले लेते हो भैया? कैश नहीं भैया, बार कोड लगा हुआ है भैया, किधर है भैया? अभी लगाता हूँ, बार कोड लगाओ भैया। गिनती रहो ठीक है, भूल में नहीं पड़ने दूंगी बात। भैया गिनते रहना, बेईमानी मत करना कोई भी। ये सब तुम्हें स्लिप लगा देनी चाहिए थी कि इसका इतना, इसका इतना, मतलब इसका इतना नहीं कि कितने कितने कौन ले रहा है, ऐसे स्लिप लगा देनी चाहिए। भीड़ में कोई निकल ना जाए, भीड़ लगने वाली है ना। इस टाइम ऐसे पूरी जल्दबाजी से सेक रहे हैं, ध्यान लगा के बिल्कुल। ये तुम्हारी नई अलग ट्रिक है ना कि एक तरफ से पहले खाली वैसे सेकना और फिर घी लगाना, दोनों साइड से घी भी लगा दो तो कोई करना। अब देखिए अगर घी ना लगाओ ना तो ऐसा होगा। भैया बचत के लिए घी थोड़ा ठीक ठीक लगा लेना, क्योंकि मतलब घी बचाना तुझे। नहीं अपनी मत करो, अपनी दुकान की बचत। सिर और मानना पड़ रहा है, बार बार पलट क्यों रहे हो इसको, सही से सिकने तो रोक दो ना। इस पे जो आप इतना ही बजा रहे हो ना चमचा, ये नॉन स्टिक ही खराब हो जाएगा, इसके लिए स्पेशली लकड़ी वाला होता है, नहीं तो नहीं खराब हो जाते हैं। भैया मेरा तो नॉन स्टिक ही तया जाएगा आज, ये कैसे खाऊंगी मैं ये। पर उससे ही कर लो, पर इस पे मत बजाओ बार बार, इससे होता नहीं है, इसलिए नहीं दिया था वो मैंने। तो बस मेरा तो हो गया, मैं अब खाने बैठा हूँ, मुझे कौन खिलाएगा भाई? हाँ तो अब क्या मैं सेकता ही रहूँ और क्या, खाने बैठा हूँ भैया, सेक दो प्लीज प्लीज, खाने बैठा हूँ आज तुम्हें डाइजेस्ट ना होंगे मुझे तो बैठते रहोगे 2 जने आ रहे हैं, बहुत दुआ दे रहे हो तुम बैठे बैठे। नहीं पहले मैं बैठ जाऊँ खाने, बिल्कुल लड़कियों जैसे काम है, धीरे 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 करके पता ना कितनी देर कर लेते हैं। दो थैले को लेके जा रहे हो, इसी में डाल दो फिर। यही करती हूँ मैं, पर तुम कैसे लग रहे हो स्मार्ट से कुछ ज्यादा से? जब मुझे एक बात का डाउट है, वहां पर कोई लेडी डॉक्टर है इसलिए तुम ऐसे तैयार होके जाते हो, पर वहां पे आप अपने बायजूस का कोर्स सेल कर दो ले, ठीक है ना, वही
ना भैया है छोटे और तुम हो बड़े, कल भी देख रही मैं, ये वाला भी पकड़ो बताऊ अभी। मोहित भैया आज जा रहे हैं गाइस, अब ये ब्लॉग यहीं तक देखने को मिलेंगे, इसी ब्लॉग में मिलेंगे आज भैया देखने को, उसके बाद में जब भैया आ जाएंगे तब बनेंगे मोहित भैया के साथ ब्लॉग। और आज पूर्व भैया भी जा रहे हैं और अब कल आएगा इनका ब्लॉग मेकअप करते हुए, मेकअप आर्टिस्ट स्टेशन। यस भैया आप ना, हाँ मेरे प्रमोशन होने शुरू हो जाएंगे इससे भी कम। हाँ आप ना वो देख लेना वीडियोस, क्योंकि मैंने पूर्व भैया को हिंट दिया था आपको नहीं दूंगी। गाइस तो मैं जा रही हूँ भाई के साथ हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, और मेरा व्लॉग होता है यहीं पे खत्म। और आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।